हाँ जी भाईजान, क्या हाल चाल है? अभी अभी पहुँचा हूँ ट्रांसफ़र के लिए। अभी यहाँ से जिद्दा से ट्रांसफ़र है दुबई का, तो इंशाल्लाह अभी यहाँ से निकले हैं हम। तो हम नहीं, मैं अकेला, हम तो हैं ही, खाली पड़ा है। पर क्या बात है जी, क्या बात है, जिद्दा का एयरपोर्ट खाली खाली, एयरपोर्ट अकेले जा रहे हैं अकेले। अभी यहाँ का लोकल टाइम कुछ ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल में 1:30 बजे। क्या लोकल टाइम है, 1:30 पौने 2 हो रहे हैं शायद, ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसमें चलते हैं ना, खुद ब खुद वाली में चलते हैं ना, खुद ब खुद वाली में चलते हैं। ज़मीन हम ठहरे रहे, दमा ज़मीन चलने लगी। क्या बात, क्या नज़ारा है। अभी गिर जाता, बच गया। किधर है नमाज की जगह, में नमाज की जगह ढूंढ रहा हूँ। एक ये एयरपोर्ट है और एक हमारा एयरपोर्ट पाकिस्तान में। अंधेरा नज़र, दिन में भी अंधेरा नज़र आ रहा होता है, रात तो रात है, दिन में भी अंधेरा है। बताओ यार, कोई हद होती है। चलो खैर, नॉन स्मोकिंग एरिया, मैं कहाँ स्मोकिंग करूँगा यार, ओए मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ। खैर वो, चलो हमारा तो गेट आने वाला भी बहुत टाइम है। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर में चिल मारते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, चाय चाय। नींद तो आई नहीं हुई ढंग से, आ गई सो गए थे, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई लोग, हाँ बस अभी जद्दा से, अभी जद्दा में लैंड करती हूँ, जहाज़ से बाहर निकलते ही ट्रांसफ़र किया किया है। बस चलते चलते सीधा जहाज़ में आके बैठ गया, इतना टाइम लग गया, मतलब कि वो आते 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 वहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे जोर का टाइम हो रहा था, तो मैंने पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आते आते मैंने कहा चाय लूँगा, लेकिन पता चला कि वो बॉडी शुरू हो गई थी फटाफट, तो मतलब इतना टाइम नहीं मिला मेरे को कि बैठूँ। तो बस जैसे कि जहाज़ से निकलते ही नमाज़ पढ़ी, यहाँ जहाज़ से निकलते नमाज़ पढ़ के जहाज़ में आ गया सीधा, और जहाज़ में आती बैठ गया। तो अब तकरीबन 40 मिनट का टाइम मैं भी अंदर भी आ गया। तो कॉफ़ी चाहिए थी मेरे को, लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे मैम साहब खड़ी हुई है ना, ये खड़ी, तो इन्होंने मुझे कि वो कॉफ़ी मिल सकती है, अभी तो हाले के अंदर ही आगे बैठा था मैं, बोलती हूँ टेक ऑफ करने के बाद। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर में मैं इधर बैठा ही था बस। मैंने कहा चलो, जब टेक ऑफ का वेट कर रहा था मैं, तो चलो आएगी, पता चला मेरे बराबर में कॉफ़ी आ गई। अरे मैंने कहा क्या बात है यार, ऐसा बेगम दिल खुश कर दिया ना, बेगम निकलने वाला था मुझसे, ऐसे काम तो बेगम कर रही होती है, ऐसे कर लो। लेकिन ये कि फटाफट सरप्राइज कॉफ़ी मिल गई मेरे को, मैंने कहा थैंक यू सो मच, अल्लाह खुश रखे आपको। कॉफ़ी बड़ी अच्छी है, मतलब बेहतरीन कॉफ़ी यार, डंकिन बुलवा दी, यही ज़बरदस्त कॉफ़ी। चलो दुबई में मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ तो मेरा भाई अभी अभी दुबई में मैंने लैंड किया है,
ये अब बाहर निकलने लगा हूँ दुबई से, अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा हूँ मैं अभी। देखो अभी देखते हैं कैसा है दुबई एयरपोर्ट, तो पता नहीं पहले मैंने शायद देखा हुआ भी है, लेकिन चलो खुद ना खुद बाली में चलते हैं यार, इसी में मज़ा है। लाइनें भी बनी हुई है रोड में, वन वे स्ट्रीट जबरदस्त यार, नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो चलो नाइस यार, मेरा दोस्त लेने के लिए आ रहा है मुझे बिलाल। बिलाल मेरे बचपन का दोस्त है, जैसे तो फिर कोई ख़ास मुलाकात या बात टच में रहा नहीं मैं उससे, लेकिन ये है कि चलो अब एक साथ ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। पड़ोसी था हमारा बचपन में पाकिस्तान हैदराबाद में, तो लेने के लिए आ रहे हैं, देखते हैं उससे भी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। बाहर निकलते निकलते बोल रहा था मैं पहुँच जाऊँगा अभी, उसको मैसेज आ गया था, मैंने उसको बताया था कि मैं पहुँच गया, तो उसने कहा था वो आ जाएगा लेने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला उसी के साथ निकलेंगे फिर, तो फिर दुबई 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 शुरू। तो अभी बैगेज क्लेम की तरफ जाना है मैंने, बड़े लोग शेख लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, बैगेज क्लेम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से फिर पार्टी शुरू। खूबसूरत एयरपोर्ट दुबई ट्रेन, बैगेज क्लेम के लिए जा रहे हैं, चलेंगे अभी अंदर चढ़ेंगे। ट्रेनिंग का भी अपना ही मजा है, दुबई मेरी जान। तो नीचे जा रहे हैं, नीचे चल रही है दुबई। ये तो पाकिस्तान जैसी खुआ आ रही है, किसी ना टच आ रहा है, पाकिस्तानियों वाला टच आ रहा है। तो बैगेज क्लेम तो भाई लोग, आपका भाई इमिग्रेशन से फ्री हो गया, दुबई में एंट्री हो चुकी है भाई की, यहाँ एंट्री होती है, फ्री सिम मिली है मेरे को, फ्री सिम भाई इमिग्रेशन काउंटर पे मिली, फ्री सिम ना चेक करो भाई, ये देख रहे हो ये है फ्री ट्रॉली, साथ में है भाई अपना बैगेज क्लेम करेंगे यहाँ से, देखो अभी बैगेज वैगेज किधर आता है। उसके बाद मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है बाहर गेट पर, बिलाल सैयद बिलाल, उससे मिलेंगे इंशाल्लाह। देखो बस अपने सामान के जरे, ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी आ गया, देखते हैं कि वो तो पाकिस्तानी बहुत है।
क्या बात है, क्या बात है। एयरपोर्ट पहुँचा, दुबई की एंट्री हो चुकी है। ये बाहर निकलने का रास्ता निकला, बिलाल को ढूंढ लो, बिलाल बिलाल इधर चाय चाय पीएंगे। चाय का मन हो रहा है, खाना तो बहुत खा लिया मैंने। चाय तो लीगल है ना, जैसे यहाँ पे बदबू जरूर होती है, नॉर्मल से ऐसी बदबू होती है। क्या बताएं, बेसिन से मतलब बेसिन मतलब अगर कुछ आते हैं ना बेचारे सीधे साधे लोग, काम करने वाले मेहनती लोग, उनमें होते हैं नहीं करता है, कोई मसला नहीं। लेकिन इंतजार तो नहीं कर रहा, मेरे दोस्त से मिल गया। मेरा कॉल करता हूँ। हाँ तो भाई, मेरा दोस्त आ गया बिलाल, उसने मुझे रिसीव कर लिया। वो अभी वो टिकट की लाइन में लगा हुआ है। बिलाल ने मुझे रिसीव कर लिया है। किधर गया नज़र नहीं आ रही है, वो हो रहा काली टी शर्ट में ना। तो इंशाल्लाह देखो, अब ये बस में जाएंगे यहाँ से होटल के। बस सस्ती होती हैं, गाड़ियाँ महंगी होती हैं यहाँ पे, तो बस वगैरह सस्ती होती हैं। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर होटल में जाने के बाद।